हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंजीनियर सी एस नागेंद्र। अवर टुडेज टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज RF। आइए देखते हैं RF क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और RF इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड। RF मे बी आइदर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन यूनिटी। मतलब क्या है, आर एफ जो होता है वो जो भी स्केल आप ड्रॉ करोगे ड्राइंग शीट में, उस स्केल का जो भी लेंथ आप ड्रॉ करोगे, लेंथ ऑफ स्केल कहा जाता है उसे, तो लेंथ ऑफ स्केल जो भी आप वैल्यू का आप ड्रॉ करोगे, जिस भी लेंथ का, वो डिवाइडेड बाई उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ क्या है, वो इज नोन एज RF। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्केल्स, तो हर टाइप ऑफ स्केल के लिए RF की एक वैल्यू होती है। तो द वैल्यू ऑफ RF में भी आइदर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन यूनिटी। तो रेड्यूसिंग स्केल के लिए RF की वैल्यू लेस देन 1 होती है, फुल साइज स्केल के लिए RF की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू 1 होती है, और एनलार्जिंग के लिए RF इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो मतलब आपको ये जो RF के वैल्यूज़ हैं, ये न्यूमेरिकल बनाने में सॉल्व आगे हेल्प करेंगी। तो ये सब न्यूमेरिकल अगर आपको बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो देयर आर डिफरेंट इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स। आइए देखते हैं। 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर इज 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इज 10 मीटर्स। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ें, जैसे 1 डेकामीटर इज 10 मीटर, तो 1 हेक्टोमीटर इज 10 डेकामीटर, और 1 डेकामीटर इज 10 मीटर, दैट मीन्स 1 हेक्टोमीटर कैन बी इक्वल टू 100 मीटर्स, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ देखिए 1 मीटर इज 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल जो होता है वो शिप्स मरीन्स में डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। 1 नॉटिकल माइल इज 1.852 मीटर, 1 माइल इज 8 फरलॉन्ग, 1 फरलॉन्ग इज 10 चेन्स, 1 चेन इज 22 यार्ड्स, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, 1 फुट इज 12 इंचेस, 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर। तो आपको पता ही होगा, अगर प्लॉट एरिया वाला क्वेश्चन आता है, तो 1 एकर इज 0.405 हेक्टेयर्स, 1 हेक्टेयर इज 2.47 एकर्स, 1 हेक्टेयर इज 10,000 स्क्वायर मीटर। तो ये सब वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेगी अगर न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन नया सिलेबस है बीटेक का, प्रीवियस सिलेबस में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स था। तो कोई सा भी सब्जेक्ट का नाम कुछ भी रहे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग से अगर ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको RF का सॉल्व करना है, तो ये सब यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यू शुड बाय हार्ट दिस यूनिट कन्वर्जन्स, देन ओनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। देखिए, ये सब यूनिट कन्वर्जन को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, आपको इसको क्या करना है, बाय हार्ट करना है, तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम बॉटम टू टॉप पढ़ना है। ठीक है, मैंने लार्जर यूनिट से लोअर यूनिट पर रखा है, आपको स्मॉलर से हायर में पढ़ना है। आइए तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। लेट अस गो टू प्रॉब्लम नंबर 1। कैलकुलेट द टाइप ऑफ स्केल एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ स्केल इफ़ इट इज़ लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर्स हैविंग RF इज 1:4। क्या बोला है क्वेश्चन में, स्केल का टाइप बताना है और लेंथ ऑफ स्केल यू टू फाइंड आउट। मैक्सिमम लेंथ जो दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ एक्चुअल लेंथ इज 5 डेसीमीटर, RF का वैल्यू भी दिया है 1:4। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 डेसीमीटर। वी नो दैट 1 डेसीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इट इज 50 सेंटीमीटर। RF का वैल्यू दिया 1/4, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ RF, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग। तो RF का वैल्यू दिया 1/4, एक्चुअल लेंथ का हम लोग निकाले 50 सेंटीमीटर, तो 1/4 इंटू 50 इज 12.5 सेंटीमीटर। Therefore, from length of scale is 12.5 सेंटीमीटर। RF के वैल्यू से पता लगाएंगे कि क्या है, तो RF वैल्यू इज लेस देन यूनिटी, therefore इट इज़ अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग स्केल। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 2। कैलकुलेट द टाइप ऑफ स्केल एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ स्केल इफ इट इज़ लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर्स हैविंग RF 1:60। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ मीटर 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 6 मीटर, वी नो दैट 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 6 × 100 इज 600 सेंटीमीटर।
एक्चुअल लेंथ क्या हो गया, 600 सेंटीमीटर हो गया। तो आर एफ का वैल्यू दिया 1/60, ठीक है। दे आर फोर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आर एफ, लेंथ ऑफ स्केल इज आर एफ इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राॅइंग। तो आर एफ का वैल्यू है 1/60, एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है 600, तो 1/60 इंटू 600 इज 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स लेंथ ऑफ स्केल इज 10 सेंटीमीटर। तो आर एफ विथ टाइप ऑफ स्केल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आर एफ को वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ आर एफ। तो हियर आर एफ इज 1/60 विच इज़ लेस देन यूनिटी, देयर फोर इट इज़ अ रेड्यूसिंग स्केल। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। कैलकुलेट द टाइप ऑफ स्केल एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ स्केल इफ़ इट इज़ लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 4 फीट्स हैविंग आर एफ 1:5 इंचज इज इक्वल टू 1 फुट। यहाँ पर आर एफ जो है रेशियो में दिया हुआ है। देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन डेटा लिख लेते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 फीट। वी नो दैट 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचज एंड 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो हम लोग 4 फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 × 12 × 2.54, दैट मीन्स 121.92 सेंटीमीटर हो गया। आर एफ 1.5 इंचज इंटू वन इज टू 1 फुट। तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट इज 12 इंचज, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1.5 / 12 हो जाएगा। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आर एफ, लेंथ ऑफ ड्राॅइंग इज इक्वल टू आर एफ इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राॅइंग। तो 1.5 / 12 आर एफ का वैल्यू है और एक्चुअल लेंथ हो गया 121.92, तो इट विल बिकम 15.24 सेंटीमीटर। दैट मीन्स लेंथ ऑफ स्केल क्या हो गया, 15.24 सेंटीमीटर हो गया। और लेंथ ऑफ स्केल कौन सा, सॉरी आर स्केल जो है वो कौन से टाइप का है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको आर एफ की वैल्यू चेक करनी है। तो आर एफ की वैल्यू इज 1.5 / 12 विच इज़ लेस देन यूनिटी, दैट मीन्स इट इज़ अ रिड्यूसिंग स्केल। समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है, ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। हाँ, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अच्छा ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट इज एरिया टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इन द लॉन्ग ऑफ एरिया 16 किलोमीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ सर्टेन मैप बाय एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 40 किलोमीटर्स। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ स्केल एंड द टाइप ऑफ स्केल। आपको एक स्केल ड्रॉ करना है इस तरीके से कि एक प्लॉट है जो 16 किलोमीटर एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उसको आपको उस मैप में 1 सेंटीमीटर एरिया में ड्रॉ करना है और उस जो उसका मैक्सिमम लेंथ है वो 40 किलोमीटर का होगा। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 40 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आर एफ का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर स्क्वायर। तो अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/40,000 सेंटीमीटर, सॉरी 1/4 लैक्स आ गया आर एफ का वैल्यू। तो वी नो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आर एफ, लेंथ ऑफ स्केल इज आर एफ इंटू लेंथ ऑफ ड्राइंग। तो 1/4 × 10⁵ इंटू 40, 40 क्या है किलोमीटर में, उसको भी सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दो, 40 × 1000 × 100, दैट मीन्स इट विल बिकम 10 सेंटीमीटर। नाउ आपको टाइप ऑफ स्केल बताना है तो अगेन आर एफ का वैल्यू चेक करेंगे। तो आर एफ इज 1/4 लैक्स, दैट मीन्स इट इज़ लेस देन यूनिटी, देयर फोर इट इज़ अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग स्केल। गॉट इट स्टूडेंट्स? समझ में आया आपको? ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन एरिया का था, मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन आएगा वॉल्यूम का। दैट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस ये एरिया और वॉल्यूम वाले ही आते हैं, ठीक है, ओके। देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 क्या आ रहा है। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 5। देखिए आप लोग क्वेश्चन को बार बार आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको आसानी होगा। एक बार जैसे आप बना के छोड़ देंगे कि बन जाता है क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व इट, आई हैव द आइडिया, सो आपका प्रॉब्लम होगा। आपको यूनिट कन्वर्जन हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम नंबर 5 आ गया, चलिए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम नंबर 5। अ रूम ऑफ 1728 मीटर क्यूब इज शोन बाई अ क्यूब ऑफ 216 सेंटीमीटर क्यूब लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 42 मीटर्स। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ स्केल एंड द टाइप ऑफ स्केल। एक रूम है जिसका वॉल्यूम 1728 मीटर क्यूब है, उसको आपको एक क्यूब, उसको आप एक क्यूब बनाकर रिप्रेजेंट करने हैं, सच दैट दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
तो इसका आपको स्केल बनाना है। तो किस तरीके से आप इसका आरएफ निकालेंगे देखते हैं। तो गिवन डेटा लिख सकते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 42 मीटर, आरएफ इज़ गिवन 216 सेंटीमीटर क्यूब इज टू 1728 मीटर क्यूब, वॉल्यूम दोनों दोनों तरफ सेंटीमीटर वॉल्यूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो 6 का क्यूब रूट होता है 216 और 12 का क्यूब रूट होता है 1728, सॉरी 12 का क्यूब होता है 1728, 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 6, और 1728 का क्यूब रूट हो जाएगा 12। तो 6 सेंटीमीटर बाई 12 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, दैट इज़ वाई 6 बाई 12 इंटू 100, दैट मीन्स आर एफ विल बिकम 1 बाई 200। ठीक है, नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आर एफ, लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, आर एफ इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग होता है। तो आर एफ का वैल्यू दिया है 1 बाई 200, एक्चुअल लेंथ का वैल्यू दिया है 42 मीटर्स, एंड वी नो दैट 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। कोई भी यूनिट रहे आपको सेंटीमीटर में लेके आना है, मैंने आपको बताया था, बिकॉज हम लोग जो स्केल ड्रॉ करते हैं वो सेंटीमीटर स्केल ड्रॉ करते हैं इन जनरल। देयर फोर लेंथ ऑफ स्केल क्या हो जाएगा, 1 बाई 200 इंटू 4200, दैट मीन्स 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आपका लेंथ ऑफ स्केल क्या मिल गया, आपको 21 सेंटीमीटर मिल गया। ना आपको टाइप ऑफ स्केल बताना है तो आपको चेक करना पड़ेगा आर एफ का वैल्यू, आर एफ का वैल्यू इज़ लेस देन यूनिटी, वाई, बिकॉज इट इज़ 1 बाई 200, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग स्केल। समझ में आया बच्चों, ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से चलाइएगा, आपको आराम से समझ में आएगा। ऐसे कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इसको। क्वेश्चन कैसे भी आए, टफ आए या आसान आए, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ स्केल एंड द टाइप ऑफ स्केल इफ आर एफ इज 1 इंच इज टू 1 इंच एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 4 इंचेस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको टाइप ऑफ स्केल निकालना है और लेंथ ऑफ स्केल भी निकालना है, सच दैट आर एफ का वैल्यू दिया है 1 इंच इज टू 1 इंच एंड मैक्सिमम लेंथ कितना मेजर कर सकता है, 4 इंच। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। तो एक्चुअल डाटा, गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, 4 इंच, एंड वी नो दैट 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4 इंटू 2.54 इज इक्वल टू 10.16 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या मिल गया, 10.16 सेंटीमीटर। आर एफ का वैल्यू दिया है 1 इंच इज टू 1 इंच, दैट मीन्स 1 बाई 1, विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आर एफ, लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल इज आर एफ इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग। आर एफ का वैल्यू है 1, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग का वैल्यू इज 10.16 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल विल बिकम 1 इंटू 10.16, विच इज़ इक्वल टू 10.16 सेंटीमीटर। अगेन और आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया है लेंथ ऑफ स्केल, आपने फाइंड आउट कर लिया कितना आया, 10.16 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है, टाइप ऑफ स्केल। तो टाइप ऑफ स्केल के लिए आपको आर एफ का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, तो आर एफ का वैल्यू इज़ 1, देयर फॉर इट इज़ टाइप ऑफ फुल साइज स्केल। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू।